पिथौरागढ़ जिले के भदेसर उपखंड क्षेत्र के आखिया गांव के नरबदिया गांव की सामान्य परिवार की बेटी खुशी सुखवाल सब इंस्पेक्टर बनने पर पहली बार गांव आई और गांव आने के बाद उन्होंने मन्नत मांगी कि मेरा पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर बनने पर मैं सांवरा सेठ के यहां पर पैदल चलकर सांवरा के चौखट पर माथा टेक कर पूजा अर्चना की करूंगी और सांवरे के चौखट पर माथा टेका। अगर मेरा पुलिस विभाग का सब इंस्पेक्टर में चयन हो जाता है तो मेरे गांव नरबदिया से पैदल चलकर उनके साथ पैदल यात्रा कर सांवरे के दरबार में पहुंचे और साथ में कई समाज के कई महिलाएं और पुरुष भी सवेरे 8 बजे घर से डीजे साथ में नाचते गाते झूमते हुए सांवलिया जी तक पैदल यात्रा की। जहां कोरेठा गांव में पहुंचने पर राजमल गुज्जर के यहां पर चाय नाश्ते का प्रोग्राम रखा जहां पर सीमा गुज्जर ने साल बाल उपरना पहनाकर स्वागत किया। इस प्रोग्राम में महिला पुरुष भी पैदल यात्रा में साथ चल रहे थे, सभी का स्वागत और अभिनंदन किया गया। इन गांव में करीब 1200 जनों की आबादी का है। इस गांव में कुल सरकार विभाग में कुल 7 जने हैं जिनमें रतनलाल सुखवाल के रतनलाल की 2 लड़की हैं। एक भाई पिताजी खेती का काम करते हैं और पंडिताई का काम करते हैं, खेती या हलवाई का काम भी करते हैं। जब छोटे भाई हीरालाल सुखवाल 4 लड़के और 3 बहने हैं। हीरालाल सुखवाल एडवोकेट, 2 भाई शिक्षा विभाग में सर्विस में है। गाँव में केवल 7 जन सरकारी नौकरी में है। खुशी सुखवाल ने मीडिया के सवालों का जवाब बखूबी दिया और बताया कि मेरा लक्ष्य पुलिस विभाग में जाने का संकल्प था, वो सपना पूरा हुआ। मैं इस सांवलिया सेठ से मन्नत मांगती हूँ, मांगी कि मेरे को पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर जाना है जो कि भगवान सांवरिया जी ने पूरा कर। अच्छा महसूस कर रही हूँ, माता पिता और मेरे गुरुजनों और भगवान की कृपा से मैं इस पोस्ट पर आई हूँ। उसके लिए भगवान का और हमारे माता पिता का धन्यवाद। वो सब अब साथ ही होगा, ग्रामवासियों का काफ़ी सही हो गए, बहुत अच्छा भी। आपका इस पुलिस विभाग में जाने का कोई मानस था क्या? आपका और किसी डिपार्टमेंट सरकारी महकमे में जाने का विचार था, क्या कहना है आपका? पुलिस विभाग से शुरू से रहा है, वर्दी देखते ही है तो सभी को होता ही है कि थोड़ा अपंग भी ऐसा ऐसा, बचपन से थोड़ा वर्दी से प्रेम था ही और भगवान ने मौका दिया है तो पुलिस विभाग में कुछ अच्छी सेवा करने का अवसर मिला है तो जरूर करेंगे, कर ही रहे हैं। ये श्रेय किसको देते हैं आप? ये श्रेय सबसे बड़ा श्रेय तो मेरे माँ बाप माता पिता को जाता है, उनकी वजह से उन्होंने मेरा हर तरफ से आज़ादी देके पढ़ाने से लेके हर तरह बंधनों में बांध के मुझे हर तरह का अवसर दिया। गांव वालों को किस तरह की शुभकामना देना चाहते हैं? सभी गांव वालों का मेरे प्रति जो प्यार है इसमें वो हमेशा बना रहे और काफ़ी सहयोग रहा है सभी। सर पूरा गांव आज के युग में मेरी इस बहन की सर्विस से काफ़ी खुश है। हर समाज भील चमार जाट पानी वस्ते सब एक कुमार नई वगैरह सब, और हमारे परिवार से पहले ही 2 जने सर्विस में इस की उम्र के डले जो मेरे से सब छोटे हैं। और मेरा एक अंकल का लड़का शिवलाल चौपाल है, टीचर है। एक हमारा और उससे छोटा भाई है जो हमारे सबसे छोटा है भरत चौपाल, वो टीचर है। लेकिन इस पोस्ट पे जो हमारी बहन लगी है खुशी सुखवाल टीना के नाम से, हम नरबदिया में जानते हैं इसे, और पूरा गांव में जो माहौल इसकी नौकरी से है वो आज दिन तक हुआ ही नहीं है। और पहले ऐसा कोई सरकारी अफसर था ही नहीं नरबदिया के अंदर, जबकि 350 ग्रह के गांव में बस्ती है। सर आपकी मम्मी और आपके पापा किस स्टेप पर इस खुशी को मैनेज कर रहे हैं? हमारे पापा और हमारी मम्मी काफ़ी खुश हैं इन चीज़ों से। सर हमारे पापा तो उसके साथ रहना ही पसंद करते हैं, हमें कहते हैं कि अब मैं तो जयपुर रहूँगा, आधी बार जो वहाँ रहेगी वहाँ जाऊँगा, इतनी खुशी है उन्हें। पापा का क्या कार्य काम करते हैं? पापा बचपन से ही खेती करते थे और आज भी वो खेती करते हैं और उनको किसान ज्ञान ही है। लेकिन आज जो हमारी बहन ने इस सर्विस को पाया है तो हमारे पिता भी मतलब उस चीज़ से काफ़ी खुश हुए हैं जो कि हम कभी उन्हें इतना खुश नहीं देखा पहले। और हमारी माताजी भी काफ़ी खुश हैं जो कि इससे पहले हमारे परिवार में ऐसी कोई खुशी नहीं थी जो कि हमारी बहन की खुशी की जॉब को लगने से हुई। आज रतनलाल जी के परिवार में कितनी पुत्रियाँ हैं, कितने लड़के हैं? रतनलाल जी के परिवार में 2 पुत्रियाँ हैं और मैं एक लड़का हूँ। आप खुद लड़के को धन्यवाद है जो माँ का भी अच्छा मनोज समारोह। कहाँ आपने पढ़ाया उस बच्चे को, किस जगह पढ़ाया आपने? जयपुरी पढ़ी है। यहाँ प्रारंभिक शिक्षा तो कहाँ से? नर्मदा से प्रारंभ कराई है, भानसेन गई है, चित्तौड़ गई है, चित्तौड़ से फिर जयपुर गई, जयपुर गई। आज आपके परिवार में जिस तरह खुशी का माहौल है, क्या कहना चाहते हो आप इसको लेकर? बहुत खुशी है भगवान,
अब आप कहाँ रहना पसंद करेंगे, जयपुर गुड़िया के साथ रहना पसंद करेंगे क्या आप गांव? मैं गुड़िया के पास ही रहूँगा, गुड़िया के पास ही रहूँगा। गुड़िया के पास ही रहोगे, अच्छा रखे वो लोग, इनके इंतजाम भी है, निकालने का मकान भी है, अच्छा तीन कमरा है बढ़िया। चलो ठीक है, और आप कोई और कोई काम करते हो सर क्या? क्या बिजनेस है आपके? तो खेती करते हो, पंडिताई करते हो, क्या करते हो? खेती भी करते हैं, पंडिताई ये बन लो गांव तो काम मार है करटो। अच्छा अच्छा, इनमें सब पढ़ना मैंने सब मोहित करता लगन आज ही करियो। ठीक है सर।